Everyone and welcome back to SKMonarchist and we're back again with another video in motion in 1D and आज हम लोग further basically study करेंगे in motion in 1D. Velocity वाला part and speed वाला part भी cover हो चुका है. Now we can proceed further with acceleration. And so let's say कि अब हम लोग acceleration भी देखते हैं. Now the thing is कि अब तक हम लोग देख रहे थे we are trying to study velocity and कैसे displacement cover होता है with velocity, distance cover होता है और उसी के rate को speed कहते हैं. फिर आती है term acceleration. The thing with acceleration is कि आप कोई भी non-uniform motion ले लो. Remember a non-uniform motion. अब non-uniform motion basically क्या होता है कि जिसमें ये जो object है इसकी speed constant नहीं होती है. स्पीड इजंट अ कॉन्स्टेंट. क्या आपके पास ऐसे एक ट्रक है एंड ये बेसिकली फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये किसी सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है. अब देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सबको पता है क्या होगा कि अगर ये फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर कवर करता है तो सेकेंड आवर में टू आवर्स में बेसिकली द नेक्स्ट वन आवर में ये कुछ और डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर कर सकता है, नेक्स्ट आवर में ये कुछ 50 किलोमीटर कवर करेगा. सो इफ यू लुक एट इट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हमारे जो मोशन के केसेस होते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें पता है इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे ये अनइक्वल डिस्टेंसेस क्यों ट्रेवल करते हैं, क्योंकि स्पीड नॉन कॉन्स्टेंट होती है, स्पीड वैरी कर रही है कि पहले घंटे में किसी और स्पीड से मूव कर रहा था, दूसरे घंटे में किसी और स्पीड से मूव कर रहा है, तीसरे घंटे में किसी और स्पीड से मूव कर रहा है. दैट इज द रीजन कि यहाँ पे मोशन नॉन यूनिफॉर्म है. सो नॉन यूनिफॉर्म इज नॉट ओनली द केस, इनफैक्ट हमारा फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम वेलोसिटी पे होता है. वेलोसिटी में आप स्पीड भी देखोगे, वेलोसिटी में स्पीड भी देखोगे, डायरेक्शन भी देखोगे. वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड खुद स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड एंड ऑब्वियसली वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में. तो ऑब्वियसली वेलोसिटी को अगर आपको चेंज करना है या तो आप स्पीड को चेंज करो विच इज द पर्टिकुलर केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करो. एंड इसी चेंज से रिलेटेड होता है टर्म एक्सेलरेशन कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, लेट्स से ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये v1 से मूव कर रहा है, किसी टाइम t1 पे वेलोसिटी v1 थी, फिर कुछ टाइम बाद वेलोसिटी v2 हो गई t2. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी में आप स्पीड भी चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. मतलब अगर एक ट्रक मूव कर रही है जिसकी कॉन्स्टेंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है. सो इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम अलग अलग डिस्टेंसेस कवर हो रहा है तो ऑब्वियसली उस केस में हमें पता है कि यहाँ पे भी एक एक्सेलरेशन होगा विच इज जस्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो अभी भी चेंज कर रही है, स्पीड चेंज कर रही है. लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रक है जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 किलोमीटर एन आर के स्पीड से एंड रोड कुछ ऐसा है, फिर ये यहाँ पे एक टर्न लिया आगे जाता है, टर्न लिया आगे जाते एंड अब ये आगे जा रहे अगेन टर्न लेने के बाद 30 किलोमीटर एन आर की स्पीड से. स्पीड में चेंज नहीं आया, चेंज किस में आया, डायरेक्शन ऑफ मोशन में. पहले यहाँ पे मूव कर रहा था अब यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन में भी चेंज आया लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हुई क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मैटर करता है. तो क्लियरली यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज आया, इस केस में भी वेलोसिटी में चेंज है. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इन एन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. इसे को वाई में भी लिख सकते हैं, डीवाई बाई डी टी एंड ऑल दिस थिंग. इनफैक्ट जस्ट वन मोर टर्म यहाँ पे, वी जेड इक्वल्स डी जेड बाई डी टी. तो अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एंड रिमेंबर फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन. The average acceleration in x direction define करते हैं the final velocity in x direction v2x minus initial velocity in x direction over t2 minus t1.
अगर ऑब्जेक्ट के पास टी वन टाइम पे वी वन एक्स या एक्स में वी वन एक्स इसकी वेलोसिटी थी, टी टू टाइम पे वी टू एक्स हो गई, देन दिस इज डिफाइंड टू बी द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डेल्टा टी विच इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। तो इसे मैं डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा वी टी लिख सकता हूँ। सो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टी टू माइनस टी वन डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ये मीटर पर सेकेंड है, ये सेकेंड में मेजर होगा, तो एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन ओवर हियर को मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मतलब मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। तो अगर मीटर पर सेकेंड इतनी मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड थी या फिर वेलोसिटी थी, तो पर सेकेंड इतनी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। सो तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इसको आप लिख सकते हो। तो ये तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद कंसेप्ट आता है एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कि मान लो ये ट्रक मूव कर रहा है, ऑब्वियसली इसके पास कुछ डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है आफ्टर सम टाइम। तो अभी तो फॉर स्पीड हम लोग कंसिडर करेंगे, नॉट डायरेक्शन। टू डी मोशन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर सकता है एज इट इज मूविंग हियर, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे। एवरेज एक्सेलरेशन तो आपको पूरी ड्यूरेशन का बता रहे कि इस पूरे ड्यूरेशन में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, किस रेट से इस पूरी ड्यूरेशन में, किस एवरेज रेट से चेंज हुआ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज अ टर्म जो कि आपको बताते हैं कि इस इंस्टेंट पे किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, कि अगर इस रेट से ही इस ऑब्जेक्ट को पूरी जर्नी ट्रेवल करनी थी तो किस रेट से बेसिकली चेंज होता, कितना वेलोसिटी चेंज होता, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एट दिस इंस्टेंट कितनी वेलोसिटी कैस किस रेट से चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली सबको पता है इसे डी वी एक्स ओवर डी टी लिखें, क्यों? क्योंकि अगर आप कंसिडर करते हो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, एट एन इंस्टेंट पॉइंट पार्टिकल माना, कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करते हैं, डी एक्स डिस्टेंस कवर किया जिसमें इसकी वेलोसिटी डी वी चेंज हुई। आपको दो पॉइंट्स कंसिडर करने, एक यहाँ एक यहाँ, बहुत ही दोनों पॉइंट्स को पास लाओ, दैट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, क्योंकि जब पास लाओगे तब जब उसमें एवरेज कैलकुलेट करोगे ये एक इंस्टेंट की एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो आपको बस क्या करना है, डेल्टा वी अप्रोचेस जीरो, कि ये जो वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा है इस ड्यूरेशन में उसको नियरली जीरो कर दो, टाइम ड्यूरेशन खुद जीरो हो जाएगा। व्हेन दैट हैपेंस क्लियरली हमें लिमिट लगाना है। अब जो एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट इज लिमिट दैट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा टी। रिमेंबर हम लोग एक्स डायरेक्शन की ही बात करें, वाई में भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज डी वी एक्स ओवर डी टी। किसी भी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है यू हैव टू डिफरेंशिएट इट द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड उस टाइम इंस्टेंट की वैल्यू पुट करना है, एंड यू हैव टू गेट द एक्सेलरेशन एट दैट बेसिकली इन द एक्स डायरेक्शन इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, इज ऑल्सो इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके आगे वी कैन कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड वी कंटिन्यू विद द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का स्पेशल केस।